तो गाइस यहाँ पे बात चल रही है कि आर्म रेसलिंग करनी है एक बंदे के साथ। 100 रुपए लगाएंगे तो 200 रुपए मिलेंगे जीतने पे, 200 लगाएंगे 400, मतलब सीधा सीधा पैसा डबल। गाइस ये देखो अब सस्ता जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे इन्होंने, जिम वालों ने। बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा प्रदर्शन दिखाते हो यहाँ पे। आलू ब्रेड रोटी चावल बनाना ऐसी ऐसी चीजें जो होती हैं भाई, इसको जरूर ऐड कर लिया करो। जो अब 4 सेट ले रहे हैं हम, रेपिटेशन रखेंगे भाई 15, 12, 10, 8। क्या हाल है भाई सबके, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और भाई मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि गेनिंग कर रखी है मैंने स्टार्ट, तो देखो मैं पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ओवर साइज पहन रखी है मैंने अभी की नज़र ना लगे किसी की। तो ओवर साइज भी देखो भाई टाइट हो गई है, ओवर साइज भी टाइट होने लग गई भाई, अब यही चाहिए था बस। तो चलो गाइस गेनिंग चल रही है बढ़िया, और मैं चाहता हूँ भाई आप लोगों की भी गेनिंग बढ़िया से चले, और इसीलिए मैं ये वाला व्लॉग लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बीच बीच में टिप्स देता रहूँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, सप्लीमेंट्स अगर ऐड करने चाहिए तो कौन से करने चाहिए, डाइट में अगर चेंजेस करने चाहिए तो क्या करने चाहिए, और वर्कआउट कैसा करना चाहिए। तो गाइस इसी वजह से मैं वीडियो ले आया हूँ आप लोगों के लिए। आज वर्कआउट भी दिखाऊंगा, कॉलेज जा रहा हूँ फिलहाल, तो क्योंकि रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ मैं तो मेरे को कॉलेज दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ लगभग। पहले तो आप लोगों के लिए मैं संडे संडे सैटरडे ऐसे वीडियोस बनाता था, पर अब रेगुलर बन रही हैं तो इस वजह से आपको कॉलेज का भी दिखाऊंगा कैसा है, और आप मेरे को ये बताना कि साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियोज़ में साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरा माइक हो गया था ख़राब, पर अब मैं नया माइक ले आया हूँ तो आप बताना कैसी क्वालिटी आ रही है। तो चलो भाई चलते हैं कॉलेज, और आज मेरा फास्ट भी है तो डाइट में आपको नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन बताता ज़रूर रहूँगा कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। तो चलो गाइस निकलते हैं। चले सो गाइस अब हमें पता चला है कि सामने वाले ब्लॉक में आर्म रेसलिंग का कंपटीशन हो रहा है। ये रहा भाई सामने, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसा कंपटीशन हो रहा है क्या रहेगा। अब हमें आर्म रेसलिंग का पता चल गया और हम ना जाए गाइस, देखो यहाँ पे फोटो शूट हो रहे हैं, व्लॉगिंग दोस्त मिले अपने, आ रहे हैं गाइस। चलो चल रहे हैं आर्म रेसलिंग के कंपटीशन के लिए, देखते हैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा। तो गाइस यहाँ पे बात चल रही है कि आर्म रेसलिंग करनी है एक बंदे के साथ, 100 रुपए लगाएंगे तो 200 रुपए मिलेंगे जीतने पे, 200 लगाएंगे 400, मतलब सीधा सीधा पैसा डबल। तो पहले भाई निश्चल भाई जा रहे हैं, देखते हैं वो जीतते हैं क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। चलो भाई चल चल निशल गिद्धे आ गया, निशल अपने हाथ में है, चल ले ले ले, बहुत ही बढ़िया आ गया। बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा प्रदर्शन दिखाते हो यहाँ पे। नहीं
तो गाइस जैसे कि तुमने देखा आम रेसलिंग के भाई सीधे सीधे उन्होंने बोला था डबल पैसे लेके जाना जीतने पे, और सीधा डबल पैसे लेके आए हैं। 100 रुपये पहले लगाए, 100 रुपये बाद में लगाए, 200 रुपये जीता है निश्चल भाई और मैं। हमने बोला और लगाते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम्हारे लिए इतना ही है। और फिर आ गए भाई क्लास में, दोबारा से फिर से बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि क्लास हमारी है 3 बजे और अभी बज रहे हैं भाई 1। ये देखो सारे बैठे हुए वेट कर रहे हैं क्लास का ही, सारे क्लास का ही वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है भाई। पहले कुछ खाने पीने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि भूख लग रही है और ऐसे वैसे मैं कुछ खा नहीं सकता क्योंकि फास्ट है, तो फ्रूट्स का ही सोच रहा हूँ। कॉलेज से बाहर जाऊँगा, देखता हूँ और फिर फ्रूट्स का जुगाड़ करते हैं और देखते हैं खाते हैं। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अब मिल गए हैं भाई चिप्स, ये रहे फास्ट वाले चिप्स मिल गए आखिरकार कॉलेज में भी भाई, सही हो गया। भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस दूध पी के घर से निकला था और दोपहर हो चुकी है। अच्छा हुआ चिप्स मिल गए। तो गाइस चलो यार ये खाता हूँ और उसके बाद अब मेरे ख्याल अब क्लासेस शायद नहीं होंगी तो घर निकलूँगा, तो वो घर जाके देखते हैं क्या करते हैं। चलो गाइस तो गाइस कंडीशन आपने दिख ही रही होगी कंडीशन आपको, यार गेनिंग चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है भाई गेनिंग। मैं अब तो यार नवरात्र के चक्कर में फास्ट रखा है मैंने, आज का है और कल का है, तो 2 दिन की है थोड़ी बात। वैसे गेनिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल कंसिस्टेंट हूँ मैं, बिल्कुल प्रॉपर डाइट पे प्रॉपर। और भाई इंप्रूवमेंट लग रही है मेरे को अपनी हर गेम में, आम रेसलिंग में भी इंप्रूवमेंट आ रही है, बॉडी बिल्डिंग में भी आ रही है, और हाँ ये दोनों गेम में अभी मैं कर रहा हूँ फिलहाल। पावर लिफ्टिंग तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ ज़रूर आ रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि भाई एक जब कार्ब्स लोड रहते हैं ना मसल में तो बहुत अच्छा पंप आता है और बहुत अच्छी एनर्जी, मतलब पूरे दिन ऐसे रहता है फुल 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 लगता है कि हाँ फाड़ देंगे। आलू ब्रेड रोटी चावल बनाना ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं भाई, इसको ज़रूर ऐड कर लिया करो जब आप गेन कर रहे होते हो, क्योंकि अगर आप हार्ड गेनर हो तो स्पेशली ये चीज़ें ज़रूर ऐड किया करो, क्योंकि ये चीज़ें कार्ब्स में बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना अपनी डाइट में बढ़ाने लग जाओ। जैसे आप एक टाइम पे अगर 2 रोटी खाते हो तो उसको 3 करके देखो, 4 करके देखो, ये करने लग जाओगे जब आप, तो भाई आपको खुद रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। एक बार एक हफ्ता ट्राई करके देखो, जैसे 2 रोटी खाते हो तो 3 कर दो, 4 कर दो, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो, आपको रिजल्ट्स पक्का आने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये नहीं सिर्फ रोटी रोटी बढ़ा रहे हो आप एक चीज़ का और ध्यान रखना कि साथ साथ आप अपना प्रोटीन का भी ध्यान रख रहे हो। प्रोटीन ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट से ही हो, प्रोटीन आप जैसे मर्जी ले सकते हो, प्रोटीन फूड से ले लो आप चाहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलती है। अब चलते हैं जिम, जिम जाके करना है बैक का वर्कआउट, तो चलो भाई चले। ये हमारी पहली एक्सरसाइज, इसमें 4 सेट ले रहे हैं हम, रेपिटेशन रखेंगे भाई 15, 12, 10, 8 रेप्स, थोड़े कम रखने हैं, वेट बढ़ाते रहना है गेनिंग में। तो गाइस आ चुके हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, जनरेटर लेंगे हम, बहुत आम रोइंग भी कहते हैं जिसे, सपोर्ट लेके इंक्लाइन बेंच पे ले रहे हैं इसे, और इसके 3 सेट लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे गाइस बैक में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लोअर बैक में इंजरी की वजह से मैं सपोर्ट लेके करता हूँ इंक्लाइन बेंच पे, नहीं तो आप नॉर्मल बेंट ओवर भी कर सकते हो। चलो गाइस 2 सेट और निपटाते हैं इसके। बैकग्राउंड में वाली लड़की लेनी थी, व्यूज आ जाते। आ जा, चलो
तो गाइस आ चुके हैं भाई अगली एक्सरसाइज की तरफ, ले रहे हैं सीटेड, जो कि भाई आर्म रेसलिंग, अगर आप आर्म रेसलर हो तो बैक प्रेशर में भी बहुत हेल्प करती है वाली एक्सरसाइज, तो इस पर अच्छे से करा करो। तीन सेट लेंगे इसके भी, तीसरी एक्सरसाइज है हमारी, तो चलो गाइस करें स्टार्ट। कि जो पीछे तुम्हें ऑरेंज कलर की टी शर्ट में बंदा दिख रहा है, जो मैं पहले दिन जिम आया था, ये यहाँ का ट्रेनर है, और इसने मुझे पता क्या कहा था कि मैं ओवरसाइज टी शर्ट में था, मैंने इससे पूछा कि भाई शर्टलेस वीडियो बना सकते हैं, तो इसने मुझे कहा कि भाई पहले फिजिक तो बना लो शर्टलेस वीडियो बनाने वाली, और आज घूर घूर के देखता रहता है। गाइस ये देखो सस्ता जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे इन्होंने, जिम वालों ने पूरे मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया था मैंने ये सेट, और छाती टूट गई मेरी। चौथी एक्सरसाइज के तीन सेट लेने हैं, 15, 12 और 10, ये लेते हैं इसका एक एक्सरसाइज और, फिर लोअर बैक ट्रेन करेंगे और फिर चलेंगे घर, क्योंकि अब बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि फास्ट भी है ऐसा तुम्हें पता ही है सुबह से, और वर्कआउट थोड़ा हैवी चल रहा के बिना मुट्ठी ऐसे, उसके बाद